स्वागत है एक बार फिर पीएन स्पोर्ट्स में। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से WFI में चल रहे तमाम बवाल के ऊपर अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो है वो इंटरफेरेंस दिखाई है, और कल एक बड़ा एक्शन लिया गया जहां पे WFI को सस्पेंड कर दिया गया है फिलहाल। और आगे क्या क्या होने वाला है, किस तरह से अब WFI चलाई जाएगी, न्यू इलेक्शन किस तरह से होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी घटनाक्रम इस मुद्दे को लेकर लगातार WFI और जो रेसलर्स हैं उनके बीच रहा है, उस घटनाक्रम को जानने के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो कुछ दिन पहले ही अपलोड किया है, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, WFI को सस्पेंड किया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। लगातार जो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे सीनियर रेसलर्स के द्वारा, जिनमें साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और तमाम और तरह के जो रेसलर्स हैं उनके द्वारा, जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल में, वर्ल्ड लेवल पे जो है वो मेडलिस्ट रहे हैं, उनके द्वारा जो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, उसके बाद एक एक्शन लिया गया। और चूंकि एक नए इलेक्शन हुए जिसमें संजय सिंह, जो कि बेहद करीब माने जाते हैं ब्रिजभूषण के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं WFI के, उनके बेहद करीबी हैं संजय सिंह, और उनके इस इलेक्शन को जीतने के बाद फिर से जिस तरह का प्रोटेस्ट नज़र आ रहा था, जिनमें पिछले ही कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि साक्षी मलिक ने अपने रिटायरमेंट घोषित किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इमोशनल स्टेटमेंट देके, और उस इमोशनल जेस्चर को देखने के बाद लगातार जो वैक्यूम सा क्रिएट हो रहा था स्पोर्ट्स और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या पॉलिटिक्स के ऊपर। डेवलपमेंट से पहले साक्षी मलिक के रिटायरमेंट के बाद बजरंग पूनिया ने भी PM हाउस के आगे जो है वो अपने मेडल्स को और अपना जो पद्मश्री है उसको जो है त्यागने को, यानी कि उसको वापस करने की के लिए जो है वहाँ पे सड़क पे वो भी उतर गए थे। उसके बाद वीरेंद्र सिंह एक डेफ ओलंपिक के खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो है वो रेसलिंग में मेडल हासिल किया है। ट्रिबल प्राइम मिनिस्टर को ट्विटर यानी कि एक्स के थ्रू ये संदेश भेजा कि मैं अपना पद्मश्री जो है वो लौटाऊंगा अगर इस तरह की चीज़ें लगातार फेडरेशन में चलती रहेंगी। तो अब एक्शन लिया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा, जहां पे सस्पेंड किया WFI को, और अब जो है आने वाले टाइम में फर्दर एक्शन या एक तरह से जो कार्य योजना बनाई जाएगी, किस तरह की स्ट्रेटजी होगी और कैसे जो है वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आगे इन फ्यूचर चलेगी, उस पर जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे IOA का जो एक बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर ही, क्योंकि रेसलिंग जो है वो ओलंपिक स्पोर्ट है, तो वहाँ पे IOA का एक इंटरफेरेंस बड़ा बनता है। और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये रिक्वेस्ट किया है कि एक एडहॉक कमेटी का जो है वो यहाँ पे गठन किया जाए, जो कि WFI में होने वाली इन सारी गतिविधियों को थोड़ा सा जज करे और कैसे अब WFI की गतिविधियाँ या स्पोर्ट्स के इवेंट जो हैं वो आगे, या टीम सेलेक्शंस हैं, स्पोर्ट्स के जो एथलीट्स हैं, रेसलर्स हैं, उनके सिलेक्शन के बारे में, या और जितनी भी चीज़ें इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ कराने की बात हो, इन सब चीज़ों को IOA जो है अपने इस एडोक कमेटी के गठन करने के बाद इन सब चीज़ों को डिसाइड करे। इसके बाद मिनिस्ट्री ने IOA से ये भी रिक्वेस्ट की है कि एज़ पर द डिफाइंड रूल, जिसमें नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011 है, जिसमें कि अगर हम देखें तो सिलेक्शन ऑफ एथलीट्स है, मेकिंग एंट्रीज फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन की बात अगर हम कहें इंटरनेशनल इवेंट्स में, उसके साथ साथ होल्डिंग ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यानी कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी कौन कराएगा, कैसे कराएगा, कब कराएगा, इन सब वेन्यू और इन सब स्कड्यूल के बारे में जो है वो सारे डिसाइड करने के लिए, जो 2011 में जो ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था उसके हिसाब से इमीडिएट इफेक्ट में कैसे ये सारी चीज़ें काम करी, और फर्दर ऑर्डर तक जब तक कोई नया ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक जो है वो ये नई एडोक कमेटी इन सब चीज़ों के ऊपर एक नई जो है एक्शन प्लान बनाए, ये जो है मिनिस्ट्री ने IOA से फिलहाल कहा है। ये एक्शन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इसलिए भी लिया क्योंकि जब ये WFI के नए इलेक्शंस जो है वो कराए जा रहे थे, उसके बाद जो पुराने ऑफिस यानी कि फॉर्मर जो ऑफिस बीयरर्स थे उनके ही द्वारा ये इलेक्शन जीते गए, और उसके बाद जिस तरह की चीज़ें आ रही थी आपने देखा होगा, ब्रिजभूषण ने तो ये भी कहा था कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, इस तरह के स्टेटमेंट, और जो है वो कई तरह के बैनर्स में भी इस तरह के जो है वो स्लोगन्स के तौर पे नज़र आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से पॉलिटिक्स की जीत मानी जा रही थी और स्पोर्ट्स की हार मानी जा रही थी। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रेशर जो है वो बनाया जा रहा था, आज जो है अपने मेडल्स और पद्मश्री जैसे बड़े सर्वोच्च सम्मान को भी लौटाने के लिए या वापस करने की जो एक कवायद शुरू हो गई। एक्स पे अलग अलग तरह के मैसेजेस जो है वो PM मोदी को टैग करते हुए नज़र आए, तो ये एक प्रेशर जो है वो लगातार स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पे बन रहा था, जिसके बाद उन्होंने जो ये डिसाइड किया कि फिलहाल जो ये नई इलेक्टेड जो WFI है इसको सस्पेंड किया जाए, जितने भी नए कंट्रोल हैं वो IOA यानी कि अब IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो अपने अंडर में देखते हुए, अपने कंट्रोल में लेते हुए इन सब चीज़ों को चलाए और एडॉक कमेटी गठित करके नई कार्य योजना आगे के लिए तैयार की जाए। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ब्रिजभूषण ने भी यहाँ पे एक बड़ा
यूटर्न ले लिया। यूटर्न इस तरह का था कि उन्होंने कहा कि साक्षी ने भी संन्यास ले लिया तो मैं भी जो है वो अब संन्यास ले रहा हूँ, यानी कि अब जो इस स्पोर्ट्स की पॉलिटिक्स है उससे मैं दूर जाऊँगा, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव आने वाले, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। यानी कि अब जो स्पोर्ट्स की पॉलिटिक्स है रेसलिंग की, जितना मैंने 10-11-12 सालों में जो रेसलिंग को दिया है, उन्होंने कहा कि भाई अब आने वाले समय में ये पता चलेगा कि मैंने वो अच्छा किया बुरा किया, ये सब तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं इस स्पोर्ट्स से, रेसलिंग फेडरेशन से दूर जा रहा हूँ, और साक्षी मलिक के संन्यास लेने के साथ साथ मैं भी जो है वो यहाँ से संन्यास ले रहा हूँ। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट ब्रिजभूषण की तरफ से आया है। तो ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का जो एक एक्शन है, और उसके बाद जो फर्दर चीज़ें हैं वो IOA को हैंडओवर कर दी गई हैं फिलहाल, और IOA अब इसको नई कमेटी के साथ किस तरह से आगे बढ़ाएगा, तो उस तरह की डेवलपमेंट कोई भी होती है तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। जितने भी ये मुद्दे हैं उन सब को आपको एज ए स्पोर्ट्स पर्सन समझने ज़रूरी हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम लगातार आपसे अपडेट देते रहते हैं। तो फिलहाल इस मुद्दे को लेकर यहाँ पे इतनी ही अपडेट थी, आगे भी आपसे इस तरह से बात करते रहेंगे। ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट इंडियन एक्सप्रेस जो कि न्यूज़पेपर है उसके हवाले से यहाँ पे है, और उसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है आपको सरल शब्दों में। तो यही चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाहता था फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से। आगे भी आपसे इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।